तो आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, जिसके लिए मैंने प्याज को काट के डाला है तेल में, और साथ ही साथ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा। उसको मैं बघार लगाऊंगी, हल्का सा गुलाबी हो जाए प्याज, और ज़ीरे की खुशबू आ जाए। बस इतना ही, आसानी से बन जाती है और बड़ी अच्छी रेसिपी है खिचड़ी की कुकर में। और फिर इसका बाद में डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर मैंने लिए थे 2 और हरी मिर्चें थी मेरे पास 3 से 4। बस इतनी ही हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि ये जले नहीं। और उसके बाद मैंने नमक डाला है इसके अंदर जितना मुझे चाहिए नमक, ताकि हमारे टमाटर जो है ना वो घुल जाएँ। नमक डालने से टमाटर फ़ौरन घुल जाते हैं। मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं अभी, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। तो ये खिचड़ी जो होती है ना बड़ी आसानी से बन जाती है। आज मैं लेट हो गई थी थोड़ा, तो इसलिए बच्चों के आने से पहले पहले मैंने ये खिचड़ी बना दी उनके लिए। साथ ये देखें दाल है, मैंने मूंग की छिलकों वाली दाल ली थी, 1/2 कप ली थी, 1 कप से थोड़ा सा कम ली थी। और इसको मैंने 5 मिनट ही भिगोया है जब मैंने काम शुरू किया, और उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है, बंद कर दिया है। अच्छा, ये मैंने 1 बड़ी इलायची, 8 काली मिर्च, 7-8 लौंगे हैं, और 1 चम्मच है धनिया का। इसको मैं दरदरा सा कूट लूँगी। और ये देखें मेरा जब ये हो गया, तो इसमें मैंने दालचीनी और तेज़पत्ता 1 डाल दिया है मसाले में, और इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया। साथ ही साथ वो मसाला भी डाल दिया है मैंने जो मैंने कूटा था। अब इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, हल्की सी खुशबू आ जाए ताकि तेल के साथ, और फिर पानी शामिल कर दूँगी। पानी मैंने 2 गिलास लिया क्योंकि 1 गिलास लिए थे मैंने चावल। और इसके बाद मैंने चावल अपने जब पानी में बॉईल आ गया तब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। बस इसको हल्का सा मिक्स करके इस पर लगा दूँगी मैं ढक्कन, कुकर को बंद करूँगी, और इसको फिर मैं 5 मिनट तक चलाऊँगी। उसके बाद फिर मैं इसको फ़ौरन बंद करके 2 से 3 मिनट रखूँगी। देखें अभी चल रहा है ना, 5 मिनट हो चुके हैं इसको, तो अब ये थोड़ा थोड़ा रुकने लगा है। अब मैं करूँगी इसका चूल्हा बंद। ये देखें चूल्हा बंद कर दिया। इस चूल्हे को बंद करने के बाद 3-4 मिनट के लिए बस इसको ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद खोलेंगे। जब तक मैंने बनाया है अपना सलाद, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्याज काट के डाली है, उसमें डाला है थोड़ा सा सिरका और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक। तो इसको पहले मैं प्याज को सिरके और नमक के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये जो होता है ना ये बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ, खिचड़ी के साथ। और साथ ही मैंने खीरा और टमाटर भी काट के शामिल किए हैं। इसके बाद थोड़ा सा काला नमक पिसा हुआ डाला है मैंने इसके अंदर, और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसको भी मैं सारे चीज़ों के साथ मिक्स कर दूँगी। प्याज को भी सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ में नमक काली मिर्च सब कुछ लग जाना चाहिए, और फिर ये मेरा तैयार हो चुका है। अच्छा ये देखें 5 मिनट के बाद इसको मैंने खोल लिया है कुकर को, और ये देखें मेरी खिचड़ी जो है ना बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं थोड़ा सा चम्मच से चावलों को खोल लूँगी ताकि इसमें लुठियाँ नहीं बने, देखना अलग अलग है चावल। बस इसको चला के खोलना, और नीचे भी नहीं लगे क्योंकि वो पानी ख़त्म होने से पहले हमने इसको बंद कर दिया था, और देखें कितना अच्छा दम होंगे बस ये। तो अब मेरा खाना बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेट उठी थी, आज मेरे सारे काम लेट हुए हैं। उसकी वजह ये थी कि कल रात को जब मैं शादी में गई थी, तो वापस आने के बाद मैं सोई थी देर से, तो फिर जब मैंने सुबह स्कूल भेजा है बच्चों को, तो उसके बाद मैं सो गई थी। दोपहर को कल मैंने बच्चों को सुला दिया था, लेकिन मैं खुद ज़ाहिर में जागती रही हूँ। तो फिर मैं जब सुबह 6 बजे की उठी हुई थी, मुझे सोते सोते 2:30 बज गए, तो आज मेरी उठने की सुबह में जल्दी हिम्मत नहीं थी, इसलिए हम लोग सो रहे थे। अभी लेट उठे थे, तो उसकी वजह से मैंने बनाई थी बच्चों के लिए खिचड़ी। और खिचड़ी की बड़ी आसान सी रेसिपी, जल्दी बन जाती है। बच्चों के आने से पहले खाना तैयार होना चाहिए ना, तो बस इसीलिए मैंने जल्दी से वो खिचड़ी बनाई है। और खिचड़ी बनाने के बाद मैंने अब खाना खिला दिया था बच्चों को, और जाने वाले हैं हम लोग अभी पार्क, क्योंकि बच्चों को ने शोर मचाया हुआ है पार्क जाने के लिए। बस अभी हम तैयार हैं, बस इनके कारी साहब इनको सब पढ़ा रहे हैं सिपारा। कारी साहब से सिपारा पढ़ने के फौरन बाद हम पार्क जाएंगे। तो अभी हमारे पार्क का सफ़र शुरू हो चुका है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं पार्क जाने के लिए। ये देखें कितना अच्छा मंजर है ना, बहुत अच्छा लग रहा था ये व्यू, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ऐसे लोगों की गाड़ियों में ना नातें चलती हैं, गाने चलते हैं, लेकिन हमारे पास जब हम सफ़र करते हैं ना, तो सिर्फ कार्टून चलते हैं, बच्चे सुकून से बैठे रहते हैं। हम क्यों आए पार्क?
इज्जत। इधर देख, नाप नहीं सारे टंग पे अच्छा ज़्यादा भी छोटा है ना, तो उसको टैंक पे चढ़ते हुए डर लगता है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे जो हैं टैंक पे जा चुके हैं और दानिश उनको छोड़ के आ रहे हैं वहाँ पे। ये देखो ऊपर पहुंच गए ये जो टैंक पे दोनों, इनको बड़ा शौक है यहाँ पे आके टैंक पे चढ़ने का सिर्फ, और जब ये टैंक पे होते हैं तो जोर होता है थोड़ा थोड़ा, तो चाहते ही आए इसके साथ भागते हुए बस खेलते रह पाते हैं। अच्छा ये सिर्फ खामा खा का उतरना चढ़ना करते रहते हैं और खुश रहते हैं, सारे बच्चे जो जितने भी आते हैं ना उनको टैंक बड़ा पसंद आता है यहाँ पे। पैसे मुझे दे जाओ, आप चले जाओ, पैसे मुझे दे के जाओ, गिर जाएंगे कोई बच्चा उठा लेगा फिर हमारी चीज नहीं आएगी। पॉकेट में रख रहा हूँ मैं, पॉकेट कोई जा रहा ही है, कोई जा रहा ही बच्चा। हाँ पता नहीं क्या करूँगा, आप भी चले जाओ। यहाँ इसको जो है ना आंटी नजर आ गई थी, बुरका पहने में भाग गया ये उनको बच्चा पकड़ने वाली समझा था इन आंटी को, इन्होंने पूरा जो है ना ऊपर से नीचे तक बुरका पहना हुआ था। तो जैद जो था ना आजकल हम बता रहे हैं कि बाहर नहीं निकला करो बच्चे पकड़ने वाले होते हैं, तो वो फ़ौरन भाग गया तरकिन से। यहाँ बच्चे देखें डायनासोर के साथ, ये डायनासोर पर पहली दफ़ा चढ़ना बड़ी मुश्किल के बाद गए इन दोनों के चढ़ने के बाद जैद को भी शौक हुआ था चढ़ने का यहाँ पे, चढ़ जा तो उसको भी फिर डालने से चढ़ाया ऊपर ये देखा, और ये बड़ा क्विकली चढ़ गया था डायनासोर के ऊपर पकड़ के ना चढ़ गया बच्चा, क्योंकि इसने बड़े अपने भाइयों को जाते हुए देखा था। देखा फॉलो, इधर देखो तो बस हम जाके करेंगे इंशाल्लाह।